पाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए जो कल यूएस की क्लोजिंग और जो संकेत हैं और एशियन मार्केट जिस तरह से खुले हैं और आज जो जीएसटी काउंसिल की बैठक है, ये सब एक ही तरफ इशारा कर रहे हैं वो है ग्रीन। चलिए लेकिन कुछ रीकैप बता दूं आपको, अभी मेरे प्रोड्यूसर बता रहे हैं कि कल जो आपको स्टॉक्स बताए गए थे उसमें 20 स्टॉक्स में से 15 के टारगेट्स जो है वो हिट हुए। कॉल्स बिकवाले की भी थी जिसमें वेदांता, भारती एयरटेल, बीएचएल सबको बेचने की सलाह दी गई थी और तमाम टारगेट्स हिट हुए हैं और ये हैवी वेट्स हैं इंडेक्स के, हैवी वेट जहां पर आपको बिकवाले करने की सलाह दी गई थी। बाजार टूटा साथ साथ ये स्टॉक भी टूटे। चढ़ने वाले स्टॉक्स की सूची में बायोट्रॉनिक्स का पोर्टफोलियो में शामिल करने की सलाह दी गई थी। 8% की तेजी देखने को मिली। डीसीएम, श्रीराम और सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आया और गिरते बाजार में आउटशाइन कर गए ये मार्केट्स को। इप्का लैब्स बिकवाले की सलाह, इनफैक्ट यहां पर टारगेट हिट होता हुआ नजर आया और ग्रेनाइट जैसे स्टॉक्स में टारगेट हिट होता हुआ नजर आया और साथ साथ डेटामैटिक्स एक और स्टॉक था जो शुरुआती टिक्स में ही अपने टारगेट्स को हिट कर गया। अल्फाजियो लगातार चढ़ता स्टॉक है 2 ट्रेडिंग सेशन से, यहां पर टारगेट हिट हुआ। इन्फीबीम, आरएस सॉफ्टवेयर जैसे स्टॉक्स भी शुरुआती टिक्स पॉजिटिव थे, टारगेट हिट। तो कुल मिलाकर सूची थी 15 स्टॉक्स की, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखा दिया गया तो बेंचमार्क सेट कर दिया। सुमित जब सुबह मेरे साथ थे तो मैं कह ही रहा था कि आज बाजार में दोनों तरफ के मूव देखने को मिलेंगे, यानी कि जो ट्रेडर्स हैं उनको शॉर्ट करने का और खरीदारी करने का दोनों का मौका मिलेगा और दोनों तरफ के ट्रेड्स में पैसा बनेगा। वो आपने देखा अभी जो 15 कॉल्स हिट हुई है, हाँ उसमें बिकवाली की ट्रेड्स भी हैं 3-4 और अच्छे खासे गिरावट के साथ वो स्टॉक्स बंद हुए हैं। चाहे वेदांता देखिए, भारतीय एयरटेल देखिए, बीएचएल देखिए, बड़े नाम थे और बड़े कट्स देखने को मिले और ऐसा नहीं था कि गैप डाउन ओपनिंग हुई और उसके बाद आपको मौका नहीं था शॉर्ट करने का। 1-2% के आसपास की गिरावट, दिन के दौरान अगर आप देखें जो गिरावट है वो और भी ज़्यादा तेज़ हो। चले लेकिन आज खरीदारी के सौदों के साथ शुरुआत करते हैं और पहले जो नतीजे हैं उससे शुरुआत करता हूँ आज। पिडलाइट को रेडार पर रखें, देखिए नतीजे अच्छे लग रहे हैं फर्स्ट टेक पे देखने में और ऑपरेटिंग आधार पर जिस तरीके की परफॉर्मेंस कंपनी ने पोस्ट की है वो बेहतर मानी जा रही है। 768 लेवल की क्लोजिंग थी लेकिन ये देखिए मार्जिन पिक्चर 21% बढ़कर 24.5%, सालाना आधार पर मार्जिन इंप्रूव हुए। अब जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है उसमें लगभग 17% का इजाफा दिखाई देगा आपको, यानी कि ऑपरेटिंग नतीजे कंप्लीटली बहुत बेहतर पिक्चर पोस्ट कर रहा है और अभी तक चला नहीं है ये स्टॉक। अब लोअर लेवल से खरीदारी जो है वो देखने को मिल सकती है। 785 ये आज के दिन का पहला टारगेट होगा और 762 ये एक स्टॉप लॉस आपको पिडलाइट पे लगाना होगा। वैसे भी कल के सत्र में जो पेंट और पिगमेंट सेगमेंट से जुड़ी जो कंपनियां थी यहां पर अच्छी तेजी देखने को मिली थी जिसमें पिडलाइट और एशियन पेंट्स जैसी कंपनियां आउट परफॉर्म कर रही थी मार्केट को, तो नजर रखी जा सकती है। दूसरा, जैसे भी हम बार डिस्कस कर रहे थे कि जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है वो एक अहम ट्रिगर है मार्केट के लिए और कुछ ऐसी चुनिंदा प्रोडक्ट्स हैं जहां पर जीएसटी दर जो है वो घटने का अनुमान है, उम्मीद है ऐसा होता है तो वो बूस्टर डोज कंपनियों के लिए, पूरी इंडस्ट्री के लिए साबित होगा। प्लास्टिक प्रोडक्ट्स जो डेली यूज आइटम्स हैं यहां पर उम्मीद है कि 28% के ब्रैकेट के बजाय 18% के ब्रैकेट में जीएसटी दरें आएंगी और मार्केट्स इसको फैक्टर इन जरूर करेगा। सिंटेक्स प्लास्टिक बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया अभी तक, लगातार टूटता स्ट्रक्चर है, पलटा तो काफी स्ट्रॉन्ग रिटर्न्स डिलीवर कर सकता है आपके पोर्टफोलियो में। 85 तक का टारगेट्स आप लगाकर चले, 79 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस इस पे आप रख सकते हैं और इस वीक 79 के नीचे के क्लोज हमने नहीं देखे हैं तो हो सकता है लोअर लेवल से फिर से एक पुल बैक स्टॉक पे आज के सत्र में बने। आज के लिए 85 का टारगेट और 79 का स्टॉप लॉस प्लास्टिक प्रोडक्ट से जुड़ी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। जीएसटी काउंसिल की जो बैठक है ना, मेरा पूरा फोकस उसी पे ही रह जाए तो इनफैक्ट मुझे 7 स्टॉक्स बताने तो मैं शुरुआत इनफैक्ट उसी से करता हूँ। इनफैक्ट दोनों स्टॉक्स मैं इसी ट्रिगर के आधार पर लेके आया हूँ। पहला है HSIL जो कि एक सेरामिक सैनिटरी वेयर बनाने वाली कंपनी है जिसे आप हिंदवेयर के जो ब्रांड्स हैं उसके नाम से जानते हो। इनफैक्ट सबसे अच्छी बात दरअसल इस कंपनी से जुड़ी हुई ये है कि ये मास मार्केट में भी इनके जो प्रोडक्ट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा फॉलो किए जाते हैं, वहाँ पे काफ़ी अच्छी डिमांड इनमें देखने को मिलती है और एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ऐसे चुनिंदा जो सैनिटरीवेयर प्रोडक्ट्स हैं उनकी जो जीएसटी की दर है उसे कम किया जा सकता है। 28% की स्लैब में इनको डाला गया है और हो सकता है कि जो स्लैब है 28% से घटाकर 18% कर दी जाए। तो ऐसे प्रोडक्ट जिसमें सिंक्स आती हैं, सैनिटरीवेयर प्रोडक्ट्स हैं, शावर बाथ्स हैं, वॉश बेसिन्स हैं जो कि रोज़मर्रा के इस्तेमाल की ही चीज़ें हैं और काफ़ी ज़्यादा डिमांड आती भी है और खासतौर पर मास मार्केट से काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट आता है, वहाँ पर कंपनी केटर करती भी है तो हो सकता है कि इनके लिए काफ़ी बड़ा बूस्टर डोज देखने को मिले। इनफैक्ट निटको एक और ऐसा स्टॉक है जो कि काफ़ी एक्टिव है इस पूरे स्पेस में लेकिन कल ही नंबर्स आए थे तो नंबर्स ठीक ठाक नहीं थे इसलिए उस स्टॉक को मैंने पिक नहीं किया लेकिन HSIL में आज के लिए 480 का टारगेट प्राइस, 449 का स्टॉप लॉस रखें। फिनोलेक्स केबल्स एक और ऐसा स्टॉक है जो कि जीएसटी के ट्रिगर के आधार पर चुना गया है। कल इनफैक्ट रजत आपको याद हो तो मैंने फास्ट मनी 10 में भी इसे उतारा था। कल रिजल्ट्स आए थे इस कंपनी के भी और रिजल्ट्स के बाद अगर आप देखें तो 6-7% के आसपास कमजोरी थी। मैंने इसे 585-590 के आसपास आइडेंटिफाई किया था और 620 के टारगेट प्राइस मैंने दिए थे और स्टॉक देखिए नीचे से ऑलमोस्ट 5-6% रिकवर होकर बंद हुआ, 613 के आसपास ही क्लोजिंग थी। ये जो जीएसटी का ट्रिगर है जिसमें वायर्स एंड केबल्स के ऊपर
28% की जो GST दर है वो घटाकर 18% की जा सकती है। वो देखिए स्टॉक को ड्राइव कर रही है, कल नंबर्स खराब है तो उसके बावजूद देखिए लो लेवल से काफी शार्प रिकवरी थी और आज हो सकता है कि मोमेंटम जो है और ऊपर की ओर ही सस्टेन करता हो। देखिए 630 635 तक के जोन के लिए आप इसमें अप्रोच कर सकते हैं, आज के लिए 604 रुपए के आसपास का स्टॉक लॉस। जैसे आपने वायर और केबल सेगमेंट एक ट्रिगर पकड़ लिया, वही एक ट्रिगर है जो HPL इलेक्ट्रिक को भी ड्राइव कर सकता है। पता है आप बोलेंगे मेरा फैंसी काउंटर है, लेकिन अभी तक यहाँ पर लोअर लेवल से खरीदारी उतनी बनी नहीं जितनी एक्सपेक्टेड है। जिस तरीके का ऑर्डर इनफ्लो है ना, वो एक ड्राइव करेगा स्टॉक को फ्यूचर ग्रोथ प्रोस्पेक्ट। रुपए का लो है इसका और कितनी खरीदारी आप कहेंगे लोअर से? 74 से 135 में तो पहुंचा, लेकिन हो सकता है कि आप बाजार फैक्ट इन करने की कोशिश करते हैं आने वाले समय के लिए ट्रिगर्स क्या है, तो अपने पोर्टफोलियो और पोजिशनल तौर पर तो रख ही सकते हैं। ऊपर से अगर वायर और केबल सेगमेंट में GST दरें घटती हैं तो एक और बूस्टर डोज, और यहाँ पर ऑर्डर इनफ्लो की खबर बहुत स्ट्रॉन्ग है HPL इलेक्ट्रिक को, जो ड्राइव कर सकती है मौजूदा स्तरों से स्टॉक को। 133 का एक स्टॉप लॉस लगाएं आज, 141 तक के टारगेट्स HPL इलेक्ट्रिक पे लगा सकते हैं आप। साथ साथ इंडियन होटल्स खबर पॉजिटिव है, टाटा सन्स ने कंपनी में हिस्सेदारी बढ़ाई है, 1.78% हिस्सा और खरीद लिया, यानी कि कुल मिलाकर अब टाटा सन्स की जो इंडियन होटल में हिस्सेदारी है वो लगभग 29.79% पहुंच गई है। और GST बैठक से पहले ये होटल इंडस्ट्री के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिल सकती है, क्योंकि हम बार बार सुन रहे थे कि AC रेस्टोरेंट के जो GST दरें हैं उनको कम करने की मांग बहुत स्ट्रांग थी इंडस्ट्री की ओर से, तो आज ये जो होटल शेयर्स होंगे उन पे भी फोकस बहुत स्ट्रांग होगा मार्केट खोलते ही। ये पेरिफेरल्स जो है आज मार्केट पे चलेंगे मेन इंडेक्स के स्टॉक्स के मुकाबले। 116 का टारगेट रखें आप इंडियन होटल्स पे, स्टॉप लॉस 108 का कैरी करना होगा। रेस्टोरेंट्स पे इसकी कंपनी मैं भी आपको बताऊंगा लेकिन ब्रेक के बाद। लेकिन एक और सेक्टर जो कि काफी ज्यादा लाइमलाइट में है GST काउंसिल की बैठक के चलते वो है प्लाईवुड सेक्टर का। मंगलम टिम्बर एक स्टॉक है जो कि आप देखिए इन खबरों के चलते ही काफी ज्यादा एक्टिव रहा भी है। कल देखिए अच्छा खासा 4.5% के आसपास का करेक्शन है और एक्सपेक्टेशन यहाँ पे भी यही है कि प्लाईवुड के ऊपर जो 28% की GST है वो घटकर 18% की जा सकती है। इनफैक्ट राजा जुलाई में GST लागू हुआ था और इनफैक्ट एक महीना बाद से ही मैं आपको लगातार बता रहा हूँ, पिछले 3 महीने से मैं लगातार इस चीज़ को मेंटेन कर रहा हूँ कि जो प्लाईवुड सेक्टर है ना ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और इनकी जो मांग है, जिन्होंने रिप्रेजेंटेशन जो रखा है फाइनेंस मिनिस्ट्री के सामने, वो 12% की GST का है। इतना नीचे लाना 28% से 12% शायद वायबल नहीं है, लेकिन हाँ ये जरूर है कि इस सेक्टर के लिए 18% जो GST की दर है वो होना लगभग तय है, क्योंकि लेबर इंटेंसिव सेक्टर है और यहाँ पे अगर आप देखिए काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट छोटे तबके को होता है, आम आदमी को होता है, तो उस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हो सकता है कि इसका जो फैसला है आजकल की जो बैठक है उसमें आता हो। देखिए तो मंगलम टिम्बर पर आप ध्यान रखें, आज के लिए टारगेट प्राइस 38 रुपये का होगा, 35 रुपये 40 पैसे का स्टॉक रख सकें। और एक स्टॉक जो कि इस GST बैठक से अलग है वो है बैंकिंग स्पेस से, PSU बैंक है PNB, इस पर आप नज़र रख के चले। देखिए इनकी घाटे वाली 200 से 300 ऐसी ब्रांचेस हैं जिनको ये रीलोकेट करने, बंद करने या तो फिर उनके मर्जर के ऊपर विचार कर रहे हैं। ये कंसोलिडेशन पूरा इस बैंक में देखने को मिल रहा है और अगले एक साल के लिए जो मैनेजमेंट है उन्होंने ये गाइड किया है कि जो पूरा प्रोसेस है उसे कंप्लीट किया जाएगा, जिसमें 200 से 300 ऐसी ब्रांचेस हैं जो कि आइडेंटिफाई की गई हैं जो कि लॉस मेकिंग है, इनके लिए अब जो कोई ना कोई जो एक्शन है वो लिया जाएगा। तो अपने आप पर इंटेंट काफ़ी क्लियर है सरकार की ओर से भी और बैंकों की ओर से भी, अगर ये कदम आते हैं तो जाहिर सी बात है काफ़ी बड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन है ये बैंकों की तरफ से। आज के लिए PNB में 195 का टारगेट प्राइस होगा, अगर आपको ये लेवल दिखें स्क्रीन पे फर्दर गेंस के लिए भी अप्रोच करें, लेकिन शुरुआती कारोबार में 187 ये स्टॉप लॉस जरूर मिलेगा। बहुत बड़ा ट्रिगर है, अगर ये 300 घाटे वाली शाखाएं अगर शिफ्ट होती हैं या फिर बंद होती हैं तो एक बड़ा बूस्टर डोज इस बैंक के लिए बनता हुआ नजर आएगा। देखते हैं कहां तक जाता है, लेकिन आज पहला टारगेट 195 का रखें और 187 का स्टॉप लॉस। PNB पे पॉजिटिव कॉल है, लेकिन आज के EPS शेयर्स कौन से हैं, एवरीडे प्रॉफिटेबल शेयर्स, दो शेयर्स आपको बताते हैं वो भी देखिए। और EPS शेयर मैट्रिक्स कारोबार से जुड़ी है जो कंपनी है शीला फोम, उस पर नजर रखें। देखिए दो कंपनियां तो अभी हमने आइडेंटिफाई करी, एक तो शीला फोम, दूसरा वेल्सपन इंडिया। वेल्सपन इंडिया के नतीजे आए उस पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही, लेकिन शीला फोम को अपने रडार पर रखें। मैट्रिक्स कारोबार से जुड़ी जो कंपनी है उनके लिए एक पॉजिटिव अनाउंसमेंट हो सकता है कि GST काउंसिल बैठक में आए और इनके भी GST स्लैब जो हायर एंड पे है उनको रिड्यूस कर दिया जाए, 18% के ब्रैकेट में ले आए GST काउंसिल, एक ट्रिगर पॉइंट बनेगा। आप शीला फोम जैसी कंपनियों पर नजर रखें, बहुत ही नीश सेगमेंट में बिलोंग करती है और अगर मैट्रिक्स पे GST दरें घटती हैं तो इस कंपनी को फायदा होगा। 1470 तक के टारगेट आज के लिए एक्सपेक्ट करें, पहला टारगेट होगा, उसके बाद अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते चले, अभी तक चला नहीं, चलने के काबिल है। 1446 की क्लोजिंग थी, अब 1470 का पहला टारगेट। एक सेक्टर या एक स्टॉक का रजत जिसमें अभी तक ज्यादा बातचीत नहीं हुई GST काउंसिल के ट्रिगर को लेके, वो है FMCG स्पेस का। देखिए HUL एक ऐसा स्टॉक है जो शायद सबसे बड़ा बेनिफिशियरी हो सकता है आज की जो GST काउंसिल की बैठक हो रही है, इसीलिए मैंने इसे बतौर EPS आज के लिए चुना है। देखिए जो GST काउंसिल की बैठक हो रही है इसमें जो प्रोडक्ट्स 28% के दायरे में है उसमें कुछ ऐसे पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी जो GST की दर है वो हो सकता है घटकर 18% आज हो जाए। इसमें खासतौर पर
जो शैम्पूज हैं, हेयर ऑयल है और उसके साथ साथ जो टूथपेस्ट है, ये कुछ ऐसी तीन ऐसे प्रोडक्ट्स हैं, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स हैं, जिनके लिए अगर आप देखें तो GST की दर है वो 28% से घटकर 18% हो सकती है। और HUL को दरअसल मैंने इसलिए चुना है क्योंकि इसके इनके देखिए पांच ऐसे मेन प्रोडक्ट्स हैं। इसमें आप ब्रांड देखिए, एक तो इनका सनसिल्क है, क्लीन एंड क्लियर है, इसके अलावा पॉन्ड्स, डव, ट्रेस्मे, ये तो इनके शैम्पू के ब्रांड्स हैं। इसके अलावा पेप्सोडेंट इनका टूथपेस्ट में काफ़ी बड़ा ब्रांड है। तो कुल मिला के देखा जाए, एक तो ये शैम्पू में अगर कम होता है, GST की दर कम होती है, उसके साथ साथ टूथपेस्ट में अगर कम होती है, तो जाहिर सी बात है ये इनके लिए काफ़ी बड़ा पॉजिटिव फिगर होगा। इनफैक्ट हेयर ऑयल में भी इनका काफ़ी बड़ा एक्सपोजर है ऑलरेडी। तो उस लिहाज से देखा जाए, अगर तीनों सेगमेंट्स में कमी की जाती है तो HUL एक ऐसी कंपनी है जो कि अगर आप देखें तो बेनिफिशियरी के लिहाज से सबसे बड़ा गेनर हो सकता है। इसीलिए मैंने आज इसे बतौर EPS भी चुना है। और हो सकता है कि जो बाकी ऐसी कंपनियाँ हैं जिसमें आप बजाज कॉर्प जैसी कंपनी को भी शामिल कर सकते हैं जो कि हेयर ऑयल में ही ज़्यादा करके है, उन पर भी नज़र रखे चल सकते हैं। लेकिन HUL के लिए आज के लिए इसी ट्रिगर के आधार पर 1280 रुपये का टारगेट प्राइस, 1223 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए फटाफट से रीकैप देखते हैं, आपको जो 10 स्टॉक्स बता देंगे उनका फटाफट से आप रीकैप देखिए। सबसे पहले है पिडिलाइट, जिस पे आप नजर रख सकते हैं, नतीजे बेहतर हैं, उसका इंपैक्ट यहाँ पर स्टॉक पे देखने को मिल सकता है। आज का टारगेट है 785, स्टॉप लॉस 762 का लगाना होगा। इसके अलावा सिंटेक्स प्लास्टिक, प्लास्टिक प्रोडक्ट से जुड़ी जो कंपनी है उनको GST रेट स्लैब घटने की उम्मीद में आप खरीदारी कर सकते हैं सिंटेक्स प्लास्टिक, जिसमें से स्ट्रॉन्ग मूव हो दे सकता है। अभी तक चला नहीं है स्टॉक, 85 का टारगेट, 79 का स्टॉप लॉस। HPL इलेक्ट्रिक, इंडियन होटल्स दोनों को पोर्टफोलियो में शामिल करें। आज के लिए HPL इलेक्ट्रिक का टारगेट है 141, इंडियन होटल्स 116, टाटा सन्स ने इंडियन होटल में हिस्सेदारी बढ़ाई है, इसको अपने रेडार पर रखें। बतौर EPS शेयर मैट्रेस बनाने वाली कंपनी शीला फोम, 1470 का टारगेट, 1435 ट्रिगर GST काउंसिल की बैठक। GST काउंसिल की ट्रिगर जो बैठक की ट्रिगर को मैंने ध्यान में रखते हुए पांच में से चार स्टॉक्स हैं जो कि खरीदारी के लिए चुने हैं। HSIL, फिनोलेक्स केबल, मंगलम टिम्बर और HUL, सब में खरीदारी कर सकते हैं। HSIL में 480, फिनोलेक्स केबल्स में 630 रुपये का टारगेट प्राइस, मंगलम टिम्बर में 38 रुपये, HUL में आज के लिए 1280 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और PNB जहाँ पे खबरें हैं कि अपने कुछ घाटे वाली ब्रांचें बंद कर सकते हैं, मर्जर कर सकते हैं उनका, PNB में आज के लिए 195 रुपये का टारगेट प्राइस, 187 रुपये का स्टॉप लॉस। चलिए ये तो हुई 10 ट्रेड्स की बात, 10 ट्रेड्स और हैं जहां पर दो होंगे आज के सुपर हिट शेयर्स, बताएंगे आपको ब्रेक के बाद। वो है ओरिएंट पेपर, जिसपे नतीजे तो काफी बेहतर आए और इनफैक्ट ओरिएंट पेपर पे अच्छी तेजी हो सकता है कि आज के सत्र में बनती हुई नजर आए। नतीजे बेहतर थे क्योंकि मल्टीफोल्ड जंप जो है वो देखने को मिला, 21.5 करोड़ का मुनाफा जो है कंपनी ने पोस्ट किया है Q2 में। और आप ये देखें कि अगर यहाँ पर इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स पे भी GST दर घटती है तो वो इस कंपनियों के लिए पॉजिटिव होगा। खासतौर से सीलिंग फैन पे अगर GST दर घटती है तो ओरिएंट इलेक्ट्रिक जो कि इनकी एक सिस्टर कंसर्न है उसको फायदा होगा, उसका इम्पैक्ट ओरिएंट पेपर पे देखने को मिलेगा क्योंकि 68% जो रेवेन्यूज है वो डिराइव करती है इलेक्ट्रिक सेगमेंट से ये कंपनी। ओरिएंट पेपर पे अब 128 का टारगेट है, 121 का एक स्टॉप लॉस इस ट्रेड पे लगाना होगा। दूसरा आर्किट प्लाई, जैसे संदीप बता रहे थे ब्रेक से पहले कि प्लाईबोर्ड से जुड़ी कंपनियों को आप भूल नहीं सकते, लेबर इंटेंसिव जो कारोबार है वो यहाँ पर आर्किट प्लाई जैसी कंपनियां, मंगल टिम्बर जैसी कंपनियों को ड्राइव कर सकते हैं। और GST दरें अगर घटती हैं, 28% से घटकर अगर 18% होती है तो एक बूस्टर डोज बन जाएगा आर्किट प्लाई के लिए और तमाम प्लाईबोर्ड से जुड़ी जो कंपनियां हैं वो आज चल सकती हैं। 94 का एक स्टॉप लॉस लगे और 99 तक के टारगेट्स आर्किट प्लाई पर रखें। इसमें आप टारगेट जरूर फॉलो कर लीजिए क्योंकि लगातार टूटता स्ट्रक्चर आज खबरों के चलते एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। 300 और बताऊंगा आपको GST काउंसिल की जो बैठक है उस फिगर के आधार पर, लेकिन दो स्टॉक पहले जाने से जो कि इससे अलग हैं वो नतीजों के दम पे लिए गए हैं। बॉम्बे डाइम देखिए, ये कंपनी घाटे से मुनाफे में आई है ईयर ऑन ईयर भी और क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे भी। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस कंपनी के नंबर्स में लग रही है ना वो है मार्जिन। देखिए 10% के आसपास के मार्जिन थे पिछले साल किसी क्वार्टर में, वो बढ़कर 22% के आसपास के हो गए हैं। तो उस लिहाज से देखा जाए एक बड़ा टर्न डाउन देखने को मिला है, नतीजों में उसका इंपैक्ट आज पॉजिटिव साइड पर रहेगा। 205.80 ये इसका 5% ऊपर का टारगेट है, आपको दिन में देखने को मिलेगा 194 रुपये के आसपास का यहाँ पे स्टॉप लॉस रखें। एक और कंपनी जिसके कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आए हुए हैं पेट्रोनेट LNG के, इस कंपनी के नंबर्स में भी देखिए जितना अनुमान था उससे बेटर ग्रोथ देखने को मिली है। आय 17.5% बढ़ी है, EBITDA करीब 24% के आसपास बढ़ा है और मुनाफे में 28% के आसपास की ईयर ऑन ईयर बढ़त आई है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपेयर करें तो 34.5% के आसपास की बढ़त आई है। 470 करोड़ का अनुमान था, 590 करोड़ के आसपास के नंबर इस कंपनी ने डिलीवर किया। और सबसे अच्छी बात है वॉल्यूम ग्रोथ, 16.5% की वॉल्यूम ग्रोथ इस कंपनी ने डिलीवर करी। और वैसे भी अगर देश में LNG का या तो फिर CNG का अगर नेचुरल गैस का अगर खपत बढ़नी है तो ये एक ऐसी कंपनी जिसमें हो सकता है कि आने वाले समय में काफ़ी बड़ा जो गेम चेंजर कदम है वो देखने को मिले। नंबर स्ट्रांग है उसके दम पे खरीदारी करें, 270 रुपये का टारगेट प्राइस, 257 स्टॉप लॉस में। क्यूपिड होगा अगला शेयर जहां पर खरीदारी की जा सकती है। और ये बता दो आपको कि देखिए ऑर्डर इनफ्लो की तो खबर है ही, 24 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला है सेंट्रल मेडिकल से, ये ऑर्डर मिला है कंपनी को। लेकिन आप नतीजे भी देखिए, नतीजों में 5.95 करोड़ का आंकड़ा कंपनी ने पोस्ट किया जो काफ़ी बेहतर है। एक और बड़ा ट्रिगर, डिविडेंड आज तक नहीं दिया था क्यूपिड ने, लेकिन इस बार डिविडेंड की भी अनाउंस
इन्वेस्टमेंट की है पहली बार और ये ड्राइव कर सकती है स्टॉक प्राइस को। आज 267 के लेवल की क्लोजिंग थी, आप 263 का एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगाया और खरीदारी करते हैं तो 282 तक के टारगेट क्यूपिड पे देखने को मिल सकते हैं। बाजार खोलने दें, स्टॉक स्टेबल होने दें, उसके बाद अपनी पोजीशन बनाकर इस चीज़ का ऑर्डर है जिस सेगमेंट में कंपनी बिलोंग करती है उसमें, तो ये ऑर्डर बहुत सिग्निफिकेंट माना जा रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी के लिए। दूसरा है बॉम्बे बर्मा, जैसे भी बात हो रही थी बॉम्बे डाइंग की, आज वाडिया ग्रुप की कंपनियों पर जरूर नजर रखें। बॉम्बे डाइंग के नतीजे तो बेहतर है लेकिन यहाँ पर चाय कॉफी से जुड़ी जो कंपनी है वो भी बाजार में आउट परफॉर्म कर सकती है जिसमें बॉम्बे बर्मा ऑपरेट करती है। पहला ट्रिगर कीनिया में प्रोडक्शन घटा है, उसका असर भारतीय कंपनियों पर देखने को मिलेगा, भारतीय कंपनियां क्लियर बेनिफिशियरी होंगी जहां पर एक्सपोर्ट्स बढ़ सकते हैं। दूसरा ट्रिगर कि असम में प्रोडक्शन गिरा है और चाय के जो दाम है वो 5-11% बढ़े हैं, तो आज चाय कॉफी जो शेयर्स हैं वो बाजार को आउट परफॉर्म कर सकते हैं, इनको अपने रडार पर रखें। बॉम्बे बर्मा अगर अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं तो 1545 का एक स्टॉप लॉस होगा, 1585 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। अच्छा, ये ना सीलिंग फैन की जो बात आप कर रहे थे, ओरिएंट पेपर जो आपने उतारा उसमें आप ये जो बजाज इलेक्ट्रिक है उसको भी शामिल करके चल सकते हैं इसमें। इनफैक्ट और भी कुछ नाम है, हैवेल्स है, क्रॉम्पटन ग्रीव्स है, डिक्सन टेक है जो कि इनको सप्लाई करती बड़ी कंपनीज को, ये कुछ स्टॉक्स भी है जो कि आज हो सकता है काफ़ी ज़्यादा लाइमलाइट में रहे। 28% की दर इनके ऊपर तय की गई थी, 18% अगर हो जाती है आजकल में जीएसटी काउंसिल की बैठक में तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। बजाज इलेक्ट्रिकल्स में इसी ट्रिगर के आधार पर 395 रुपये का टारगेट पाइक, 375 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। और एक स्पेशलिटी रेस्टोरेंट जो आप रेस्टोरेंट बेस की बात भी कर रहे हैं, 18% इनके ऊपर जीएसटी की दर है, हो सकता है कि जो नॉन एसी रेस्टोरेंट्स हैं उनके लेवल प्लेइंग फील्ड के बराबर ही एसी रेस्टोरेंट को भी रख दिया जाएगा, तो 12% की टैक्स अगर इनके लिए की जाती है तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा। तो स्पेशलिटी रेस्टोरेंट इसको जरूर ध्यान में रखें, कल 1% के आसपास गिरावट आज हो सकता है। 125 तक की जो चाल है वो देखने को मिले, 117.50 का आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस रखना होगा। वेस्ट लाइफ डेवलपमेंट, जुबिलेंट फूड वर्क्स, इसके अलावा टीजीबी बैंकवेट्स, ये भी कुछ और ऐसे स्टॉक हैं जिन पे आप नजर रख सकते हैं आज के। तो लेकिन आज के सुपरहिट शेयर्स कौन से हैं वो देख लेते हैं, दो शेयर्स जो आपके पोर्टफोलियो में तगड़ी कमाई करा सकते हैं। जैसे मैंने बात की चाय कॉफी से जुड़े जो शेयर्स हैं उनको अपने रडार पर रखें, रबड़ बनाती है जो कंपनी उनको अपने रडार पर रखें, चाहे आप जयश्री टी लें, बॉम्बे बर्मा या फिर हैरिसन मलयालम, सभी में रिटर्न पॉजिटिव मिल सकते हैं। हैरिसन को पोर्टफोलियो में उतारा है मैंने, हाल फिलहाल में यहाँ पर ऑलरेडी रिकमेंड किया गया था जी बिजनेस पे, लेकिन अब ये देखिए कीनिया का प्रोडक्शन घटना, असम में प्रोडक्शन घटना कंपनियों के लिए बहुत पॉजिटिव है। चाय की कीमतें बढ़ी हैं हाल फिलहाल में 5-11% की, ऊपर से हार्ड रबर पर अगर जीएसटी दर घटती है तो इस कंपनी के लिए पॉजिटिव। पिछली बार जो रिकमेंड किया गया था बहुत स्ट्रांगली छलांग लगाई थी स्टॉक ने, आज भी खरीदते हैं तो 87-88 तक के टारगेट, स्टॉप लॉस 80.5 का आप कैरी कर सकते हैं। और जयश्री टी जैसे कंपनियां भी आपके परफॉर्म पोर्टफोलियो में अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है, एफएमसीजी एक ऐसा तबका है जिसे बाजार अभी तक जीएसटी काउंसिल की बैठक से नहीं जोड़ के देख रहा है, तो एक्चुअल की बात मैंने पहले करी, बजाज कॉप जैसी कंपनी पर आप नजर रखें हेयर ऑयल सेगमेंट में। कोलगेट एक और नाम है जिसे मैंने बताओ सुपरहिट चुना है। देखिए टूथपेस्ट के ऊपर अगर जीएसटी कम होती तो जाहिर सी बात है जो कि सबसे बड़ी कंपनी है इस पूरे सेगमेंट में, उसके लिहाज से देखा जाए तो काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर हो सकता है। 28% से अगर जीएसटी घटकर 18% होती है तो जाहिर सी बात है इनके लिए काफी बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। और हाल फिलहाल में मैनेजमेंट की ओर से जो कमेंट्स हैं जिसमें उन्होंने कहा है कि पतंजलि का ज्यादा इंपैक्ट नहीं देखने को मिल रहा है नंबर्स में, डाबर जैसी कंपनी ने भी इस चीज को हाईलाइट किया है, तो अपने आप में बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर। लेकिन जीएसटी काउंसिल की बैठक में अगर दरें कम हो जाती हैं तो बहुत बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा कोलगेट जैसी कंपनी के लिए आज के लिए। इनफैक्ट 1072 रुपये का टारगेट प्राइस लेके आप खरीदारी करें, 1011 रुपये का आपको यहाँ पर स्टॉक कर सकना होगा। चलिए सभी 10 स्टॉक आपके सामने रख दिए हैं जो कि खरीदारी के ही हैं। मैंने आपको 7 स्टॉक्स जीएसटी काउंसिल की बैठक के ट्रिगर के आधार पर बताए थे। शुरुआत मैंने करी थी HSIL के साथ, आज 480 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। फिनोलेक्स केबल्स 630 रुपये का टारगेट प्राइस, 604 रुपये का स्टॉप लॉस रखें। मंगलम टिम्बर प्लाईवुड पे भी जीएसटी की दर कम हो सकती है, 38 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। PNB अपनी कुछ 200 से 300 ब्रांचेस को बंद करने या मर्जर करने के ऊपर विचार कर रही है, कंसोलिडेशन हो रहा है, आज के लिए 195 रुपये का टारगेट प्राइस। FMCG स्पेस से HUL को मैंने बताओ EPS चुना है, आज 1280 रुपये का टारगेट प्राइस है। टूथपेस्ट उसके साथ साथ कुछ हेयर ऑयल पे भी जो जीएसटी दर है वो कम हो सकती है। इसके अलावा नंबर्स के दम पे बॉम्बे डाइंग और पेट्रोनेट LNG को चुना गया है, अच्छे नंबर्स हैं। बॉम्बे डाइंग में 205.80 का टारगेट प्राइस होगा, पेट्रोनेट LNG में 270 रुपये के टारगेट प्राइस लेके चल सकते हैं। जीएसटी काउंसिल की जो ट्रिगर है उसी के आधार पर बजाज इलेक्ट्रिकल्स और स्पेशलिटी रेस्टोरेंट को भी चुना गया है, बजाज इलेक्ट्रिकल्स में 395, स्पेशलिटी रेस्टोरेंट में 125 रुपये का टारगेट प्राइस होगा। और आखिर में एक और FMCG कंपनी कोलगेट, इस पर भी नजर रखें, टूथपेस्ट अगर जीएसटी घटती है इनके लिए सबसे बड़ा पॉजिटिव ट्रिगर होगा, 1072 रुपये का टारगेट प्राइस। पिडिलाइट नतीजों के दम पे आपके पोर्टफोलियो में अच्छी कमाई करा सकता है, 785 का टारगेट, 762 का स्टॉप लॉस। सिंटेक्स प्लास्टिक, प्लास्टिक से जुड़ी जो कंपनी है उनको रडार पर रखें, जीएसटी काउंसिल की बैठक के जीएसटी दरें घटने का अनुमान है। सिंटेक्स प्लास्टिक पे 85 का टारगेट। HPL इलेक्ट्रिक जैसी कंपनियां पोर्टफोलियो में शामिल करें, आज वायर सेगमेंट से जुड़ी कंपनियां वो भी हरकत में आ सकती हैं। इंडियन होटल्स, टाटा सन्स ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, 116 का टारगेट, 108 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करें। बताओ EPS मैट्रेस बनाने वाली कंपनी शीला फोम को उतारा है मैंने, 1470 का टारगेट, 1435 का एक स्टॉप लॉस फॉलो करना होगा।
मार्केट फ्लाई खरीदते हैं तो 99 का टारगेट है, 94 का स्टॉप लॉस। ओरियंट पेपर आपके पोर्टफोलियो में मूव पॉजिटिव दे सकता है 128 के टारगेट के लिए, इसको अपने पोर्टफोलियो में शामिल करें। क्यूपिड 282 का टारगेट और 263 का स्टॉप लॉस। और चाय कॉफी शेयर्स आउट परफॉर्म कर सकते हैं मार्केट पे, प्राइसेस बढ़े हैं चाय के 5 से 11%। बॉम्बे बर्मा और साथ साथ हैरिसन मलयालम दोनों पे ही ट्रिगर पॉजिटिव है। बॉम्बे बर्मा में आज का टारगेट है 1585 और हैरिसन खरीदते हैं तो आज का टारगेट है 87, स्टॉप लॉस 80.5। चलिए से नोट पे एक छोटे से ब्रेक ले रुके हैं, कहीं मत जाइए, शेयर बाजार लाइव में आज के बड़े ट्रिगर जीएसटी काउंसिल बैठक से क्या उम्मीदें हैं और कौन से बड़े ट्रिगर्स हैं जो मार्केट को मूव कर सकते हैं, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक चाल आपके पोर्टफोलियो में कहां बनेगी उस पे